एक तस्वीर आपने देखी होगी, आसफा भुट्टो की जापान के ऑफिशियल दौरे पे जब बिलावल भुट्टो गया वजीर खारजा, तो वहां उसके साथ बैठी हुई है कुर्सी पे किस हैसियत से, किस औकात से, किस हैसियत से वहां बैठी हुई है। पूरी दुनिया के ऑफिशियल विजिट्स होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, आपने कभी नहीं देखा होगा वहां के वज़ीरे आज़म, वहां के वज़ीरे खारजा ऑफिशियल विजिटर्स के साथ उसकी फैमिली भी जाती। ये वाहिद कमी वज़ीरा हैं इस मुल्क के जो जहां भी जाते हैं अपनी बीवी बच्चों को भी साथ ले जाते हैं घुमाने फिराने के। अजीब कमी किस्म के ये लोग हैं कि भाई ऑफिशियल विजिट के ऊपर जा रहे हो और उधर आप साथ में मतलब पाकिस्तानियों के पैसों पे नई वज़ीरे खारजा तैयार की जा रही है। ये आने वाली वज़ीरे खारजा है आपकी, क्योंकि भाई ने तो वज़ीरे आज़म बनना है, आप भाई वजीर आजम बनेगा और ये साहिबा जो है ये वजीर खारजा की कुर्सी को संभालेगी। ये ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, ये वो कमियों की पार्टी है, इसके अंदर वो सीनियर तरीन लोग मौजूद हैं जो भुट्टो के कदमों में बैठते थे, फिर बेनजीर के कदमों में बैठते रहे, फिर जरदारी के कदमों में बैठते रहे, आज वो बिलावल के कदमों में बैठे हुए हैं, कल वो आसफा भुट्टो जरदारी के कदमों में बैठे। जब बिलावल पैदा हुआ था ना तो पीपल्स पार्टी की तमाम सीनियर लीडरशिप ने मिठाइयां तकसीम की, हमारा लीडर पैदा हो गया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है।